आप लोग अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देना है, किस बात को लेके देने आए हैं? ये जो पांचाल घाट से सेंट्रल जेल तक जो चौराहे से जो इनका महायोजना का जो मैप प्रकाशित हुआ है, इसी संबंध में हम लोग जो है ज्ञापन देने आए हैं। ये NHAI के द्वारा जो है अधिग्रहण किया गया 28 मीटर, और उसके निशान भी अभी तक चिन्हित हैं। उन्होंने 30 मीटर लिया था, 2 मीटर एक्स्ट्रा, और इन्होंने जो महायोजना का मैप प्रकाशित कर दिया उसके अंतर्गत ये जो है 60 मीटर इन्होंने रोड दिखाया है और 30-30 मीटर की ग्रीन बेल्ट दिखाई है। इसके तहत तो पूरा जो है हम लोगों के मकान और जो है अंदर तक जा रहा है 200-200 मीटर, इसमें तो सारी बस्ती उजड़ रही है। इसी के हम लोग संबंध में यहाँ पे ज्ञापन देने आए। आप इससे पहले भी ज्ञापन कई अधिकारियों को दे चुके हैं, क्या सुनवाई हुई? हमें सभी को दे चुके हैं, माननीय जिलाधिकारी सांसद जी महोदय, अपने जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी को भी, और नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल को, परंतु हमें कहीं से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे। आप लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ पोस्टर भी लगा दिए हैं जी, तो किसी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया कि आपने मकान बिकाऊ पोस्टर क्यों लगाए हैं, क्या कारण? अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया, ना ही कोई वहाँ पे पूछने गया है। हम जब अपने जनप्रतिनिधि से संपर्क करते हैं, वो जो है हमारी जो है बड़ी सिंपैथी दिखाने के लिए चारधाम यात्रा वो कर रहे हैं कि हम कितने मकान के लिए दुआएं मांग रहे हैं। 500 लगभग टोटल कितने मकान यहाँ? लगभग 500 मकान हैं सेंट्रल जेल से और पांचाल घाट तक। आगे के क्या कदम रहेंगे आपके? आगे के कदम ये रहेंगे, हम सभी के पास जा रहे हैं, और जो अभी इन्होंने एक महीने का समय निर्धारित किया है, हम उसमें प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक कुछ समय अगर सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर सभी उपाय वो किए जाएंगे जो हमारे समझ में आएंगे, वो हर विकल्प फिर जो है जो कर सकते हैं। आप हिंदुवादी संगठन से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं जी, आपने अपने संगठन के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको नहीं अपडेट कराया? क्योंकि आप सभी की लड़ाई लड़ते हैं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए ऐसा लगता है संगठन आपके साथ नहीं नजर आ रहा है। नहीं, संगठन हमारे साथ में, संगठन के आज भी हमारे जो प्रांत से फोन आया और उनका मैसेज आया कि आप जो है अपनी लड़ाई लड़ते रहिए और बिल्कुल वैधानिक तरीके से, कोई उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मतलब जो है अनैतिक रूप से आप लोग कोई किसी के उसमें आ जाएं और जो है अपने अनुशासन में रह के ही अपनी बात कहनी है। तो हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं और इसका जो है विरोध